खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का क्या है हाल, हलके के विधायक कितना रख रहे हैं ख्याल, इस पर हम कर रहे हैं सीधा सवाल। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ होंगे शाहबाद से जननायक जनता पार्टी विधायक रामकरण काला। रामकरण काला कुरुक्षेत्र की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साल 2019 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर शाहबाद से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। रामकरण काला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण बेदी को 32,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया था। वे प्रदेश में फिलहाल बीजेपी जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और रामकरण काला हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन हैं। शाहबाद विधानसभा रामकरण काला से बातचीत का सिलसिला शुरू होने से पहले यह खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में रामकरण काला से करेंगे सीधे सवाल, जो शाहबाद से जेजेपी विधायक हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर शाहबाद की राजनीति के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रामकरण काला ने 69,233 मत हासिल कर बीजेपी के कृष्ण बेदी को करारी शिकस्त दी। शाहबाद कुरुक्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जनता ने कांग्रेस बीजेपी को लगभग बराबर बार चुना है। शाहबाद की उपलब्धियों की बात करें तो हॉकी प्लेयर्स के लिए ये मशहूर है। इसके अलावा शाहबाद मशहूर है चीनी मिल के लिए। मारकंडा बाबा मंदिर आस्था का प्रतीक है और इसके साथ ही आलू भी बम्पर मात्रा में यहां पैदा होता है। वहीं समस्याओं की बात करें तो इस हलके की मुख्य समस्या बाढ़ है। इसके अलावा खराब सड़कें, आवारा पशु, बंदरों का आतंक, पार्किंग, सफाई, अस्पताल में स्टाफ की कमी, बारिश में पानी निकासी, कमेटी से अधिकारी नदारद, रेलवे फाटक पर जाम और रोजगार शाहबाद की मुख्य समस्याएं हैं, जिन पर विधायक रामकरण काला ने पिछले 2 साल में कितना काम किया है और कौन कौन से काम बाकी हैं, ये जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए ये देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि इस इलाके में वाकई में समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए विधायक को किस तरह से कामकाज करना है, ये आज हम इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं विधायक रामकरण काला का स्वागत करना चाहूंगा हमारे खास कार्यक्रम में। रामकरण काला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। रामकरण काला जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके इलाके के जो लोग हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका क्या कहना है अपने इलाके को लेकर, विधायक को लेकर, कामकाज को लेकर, वो जरा सुनवा देते हैं। रोड के ऊपर हुड्डा पार्क में, हुड्डा की गलियों में पशु बहुत है। नंबर 2, बंदरों का आतंक मचाया हुआ है यहाँ पर, वो भी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही कहीं पर भी। हमने कमेटी में बोला तब भी कोई सुनता नहीं है। जो लगता है इस समय शाहबाद में जो शहर में है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। 19 में हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, कुछ कमियां थी हमारे, जैसे ऑक्सीजन का ना मिलना, पेशेंट की एडमिशन में प्रॉब्लम, हमें रेफर करने पड़ते थे पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक जी ने ये ऑक्सीजन प्लांट की जो शुरुआत की है, जहाँ लगवाने की पूरी सरकार को प्रेशराइज करके जहाँ पे शुरुआत की है, जहाँ पे बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन हमने बहुत प्रयास कर लिए हैं। यहाँ स्थानीय विधायक से, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी से, अपने खेल मंत्री जी से मिले, हमने तो पूरा दिन रात मेहनत करी इसको जल्दी जल्दी चलाया जाए, लेकिन उसका कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा कब चलेगा। लेकिन समस्या इससे भी बड़ी है कि पुराना हॉस्पिटल है, इसमें 7 पोस्टें डॉक्टर की हैं, मात्र 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे। विधायक जी अपने वादे निभा रहे हैं समय के हिसाब से। बीच में कोरोना काल रहा तब थोड़े काम रुके, अब काम पूरी स्पीड के साथ चल रहे हैं। इस वक्त 2 प्रमुख समस्याएं हैं, एक आवारा पशुओं की और एक सफाई व्यवस्था की। कुछ रह भी गए हैं, ये नहीं कहते कि नहीं कर रहे, जैसे अब बरसात होती है पानी की समस्या है,
आगे से काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी और हल होनी चाहिए कि पानी उतरता है। जो चुनाव में वादे किए थे उनमें से शायद ही कोई वादा हो जो पूरा ना कर सकें। शाहबाद के हमारे विकास कार्य में हमारे शाहबाद की सबसे बेन समस्या थी पानी की निकासी की, जो काफ़ी हद तक ये हल हो चुकी है। तो शाहबाद विधानसभा के विकास से कितने संतुष्ट हैं विधायक रामकरण काला, ये सवाल करेंगे। अपने हलके के विकास के लिए अगले 3 साल का विधायक का रोड मैप क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। आमजन की शिकायतों और सुझावों पर विधायक रामकरण काला क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। पिछली सरकारों के कार्यकाल में कितना विकास हुआ और कितनी आस थी विकास की, विधायक की नजर में वो कौन सी सौगात है जो इलाके की तस्वीर बदल सकती है, बड़ा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, शुगर फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते विधायक की गन्ना किसानों के लिए योजना क्या है, लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर विधायक रामकरण काला की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी आज हम जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में। लोगों ने जो सवाल किए हैं वो भी जानेंगे और इसके साथ साथ कुछ और कॉमन सवाल हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। ये तमाम वो चीजें हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास की धुरी होती हैं और उसको लेकर इलाके का विधायक कितना गंभीर है और सरकार से कितनी उम्मीदें उन्हें लगती हैं। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, दोनों ही पार्टियों को मिलकर विकास करना है इलाके का, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का, और इस क्षेत्र के विकास को और कितना ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर आज हम बातचीत करेंगे। विधायक रामकरण काला मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विधायक साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आपने अपने इलाके के लोगों को सुना, उनकी तरफ से क्या शिकायतें थी, क्या सुझाव थे, उन पर बातचीत करेंगे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े अंतर से इलाके से जीत कर आना और एक ऐसे प्रत्याशी को हराना जिसके साथ अब आपकी पार्टी की सरकार गठबंधन में सरकार चला रही है, आपकी पार्टी उस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। बड़ी जीत आती है तो बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। अब उस चुनौतियों को लेकर आप क्या कहते हैं और उसके साथ साथ इलाके के लोगों ने जो कहा, जो आपने सुना, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हेलो सर, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? हाँ सुन सकती आवाज जी। मैं विधायक साहब ये बात करूंगा कि आपने जो अभी हम लोगों की बातचीत सुनवा रहे थे उनकी तरफ से क्या कहना था, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ सवाल भी थे और कुछ समस्याएं भी हैं, और इसके साथ साथ मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जीत आपने दर्ज की है, बड़ा एक दारोमदार अभी आपके कंधों पर है। आपने एक ऐसे नेता को सामने हराया जो आपके सामने मंत्री थे और अब उस पार्टी के साथ आपकी सरकार है गठबंधन में, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी आप पर है। मैं अपनी बात बताऊंगा आपसे जी। हमारा शाहबाद, सबसे पहले मैं अपने शाहबाद के जो वास्ते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पूरे इलाके को और पूरे 36 आदमी को जी। हमारे जो अधूरा काम थे, हमारा लाडवा रोड जो है, बड़ा रोड है ये, 5 सालों से बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद ये इसको डबल करवाया, इसको ग्रीनरी बीच में। दूसरा हमारा जो पूरी जनता का पूरा इलाका दुखी था, लाडवा रोड के पुल के नीचे पानी में जाना पड़ता था, रुकवाने की बहुत प्रयास करी लोगों ने या सरकार ने या पर मैंने उसके नीचे अलग से सड़क बनवाई और उसका 24 घंटे हम उसके पास रहते हैं। हमारे 5 घंटे की टीम बनाई थी पूरे शाहबाद के अंदर, पूरे भी इलाके में, पूरे चापुर क्षेत्र में, चंबाड़े में, जहां भी मेरे शाहबाद के अंदर 2 घंटे के अंदर पानी रहता पूरा। अब 4 कुल लड़कियां, माता बहन, अब उसको सुखी में जाना पड़ता है, जिससे 10 साल पहले वो पानी में डूब जाती थी, कारा कम से कम को बाहर से कोई रिश्तेदार था, कोई कोई प्यारा मित्र, कोई भी शाहबाद वाली लड़कियां बहन बेटी बनती थी, सबसे पहले उनका पानी में डूबकर बनती थी। सबसे नंबर वन काम है मान कोई भी कह सका पूरे इलाके का, पूरे शाहबाद का, अगर जहाज उसके अंदर पानी में जो मैंने वादा करा था उसका पूरा करें, अलग से सड़क बनाया की अलग से कार मोटरसाइकिल साइकिल अलग से जाते हैं। दूसरा नंबर हमारे जो हमारा पुल जो ये अंडरपास था ये कई साल से नहीं पड़ा था, बहुत पब्लिक तंग थी, सारी फाटना बंद हो गई थी। मैंने जिम्मेदार मजदूर स्थान जो 36 जाते थे बोले थे बहुत तंग हो गए, सारा इलाका परेशान हो गया, मैंने रात दिन खड़े होकर मैंने अपनी पूरी अलग से टीम लगा रखे ठेकेदार को गर्म कराया, रात दिन मैंने वहां खड़े आसान कराया, 2 मिनट में मैंने चल कराया, जो जीरी की फसल जैसा रही वहां जीरी की फसल भी गन्ने की फसल भी वहां टपाई। अब पानी परेशान था, पानी आया, मैं 6 लाख का जनरेटर मंगाया और 2-4 मोटर मंगाई, अब इतने दिन के अंदर उसके अंदर सारे इंतजाम कर लिया, कुछ पानी की नहीं खड़ी होगी उसके अंदर, साइड पड़ जाएगा।
चलपानी जो गांव था उधर आधी जमीन उधर से आधे गांव थी मतलब आधा लाखों था उधर का पुल कई साल से टूटा पड़ा था उसको मंजूर कराया उसको जल्दी 24 घंटे किया जाएगा वहां उसे लगवाया उसका काम लग रहा है। हमारा जो कुलसाना पुल था ये बंद पड़ा था ये मतलब इसका काम लग रहा जल्दी से लगवाया। हमारा जो नया पुल था संगोर से लोगों ने डिमांड की 12.5 करोड़ का मंजूर कराया उसका काम मंजूर है जस्ट मतलब टेंडर लगने वाला। हमारी और भी जो समस्या आज चार बिजली बनने की थी चार वहां ट्यूबला की रोड थी पानी की जल्दी उनके 10 दिन के अंदर मैंने ट्यूब लगाए जहाँ गोमा परेशानी थी पानी की या शर्मा परेशानी थी हर कॉलोनी में बिजली कॉलोनी की दस कॉलोनी की और भी अब देखो काम की बात रही उसके पहले मन नहीं पता कि क्या कराया निकला है पूरे इच्छा भर में बिजली पर जीवन चल सका इच्छा भर वर्ष ने पता चले एंटी सब सोचते हैं कोई एंटी बोल देता है कोई ऐसी बात नहीं है उस बोलना का प्रतिबंध होता है जब भी वो मेरे को बुलाता मैं बताया कि नक्सल जिंदा मैं भाई 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 चले नक्सल के पास उस टाइम पहुंचता हूँ मैं खुद चेक करता हूँ काम उसे पूरी दफ्तर बाद उसे टेंडर लगाता उसे काम करता हूँ। आज पूरी वाल्मीकि कॉलोनी देख लो पूरा एक भी गली बनी थी पास जाए पूछ लो पूरी वाल्मीकि कॉलोनी भाई पूरी देहा बस्ती पूरी बनाई पूरी सुंगरमीर कॉलोनी बनाई पूरी बिजली कॉलोनी बनाई और भी जौनपुर कॉलोनिया हमारी कॉलोनी चार रह गया थी गुरुदेव कॉलोनी रवि कॉलोनी आवाज में घर अरे एक चार कॉलोनिया उन मैं अनपुर रहा वे हमारे शहर से बाहर आ वोट उनके शहर में और उनके एरिया पड़ता है गांव में वो दोनों पास नहीं है मेरे उनका बहुत दर्द होने के लिए सबसे पहले जो उनका काम रुकिया वोटों में देते हैं अब मैंने उसको उनको अभी 2 महीने के अंदर उनकी दोनों बिजली कॉलोनी सुधार ये गुरुदेव कॉलोनी रवि कॉलोनी ये चारों कॉलोनियों का मैंने एस्टिमेट बनवा दिया उनका। मेरा ये काम है जो भी कहीं स्थिति की समस्या आज जो मर्जी है मैं 36 हजार दे चुना हूँ मैं ये नहीं मानता मैं बताया हूँ मेरा 36 हजार इसके बाद में बताया था मैं उनको कहता हूँ आप काम बताओ मैं 24 घंटे उनके लिए तैयार हूँ सवेरे 7 बजे से लेता और जब मैं विधानसभा में लोग जाते हैं वहाँ सैक्टर में जावा कहीं में जावा तो मैं यहाँ से अपना काम निबट कर डेली डेली टेलीफोन करके डेली 10 बजे जाता हूँ यहाँ पे 11-12 बजे वहाँ पहुंचते किसी भी 36 जाति की मैं समस्या सुन के जाता हूँ चाहे कोई भी काम और उनके बनाने का करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। साहब आप आपने काम को लेकर कहा जो मेरा क्या बात जो है ना नंबर वन पर रही बात ठीक है आपने कई सारी बातें कही हैं आपने कई सारी बातें बताई हैं और आपने कहा कि पानी की दिक्कत जो यहाँ पर निकासी को लेकर थी उसको लेकर लोग भी कह रहे हैं कि पानी की निकासी का अच्छा खासा इंतजाम किया और आपने अपने स्तर पर भी लगातार कोशिशें की हैं। पहले के काम को लेकर भी आपने कहा कि मुझे नहीं पता किसने क्या करवाया लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि इतनी सारी दिक्कतें थी उन परेशानियों को दूर किया तो मान लिया जाए मैं ये मान लिया जाए ये मान लिया जाए कि पहले कुछ परेशानियां थी उनको खत्म करने की आपने कोशिश की है। सरकार से सहयोग की बात मैं आपसे करूंगा क्योंकि गठबंधन की सरकार है और अभी मेरे पास बात सुनूंगी पहले जी मेरे शाहबाद की जो समस्या मैं चाह खुद गया कुछ गया मैं अपने शाहबाद पर नंबर वन लिया दंका सिंह बहादुर का जो हमारा रुपया पड़ा गेट वो पूरा बड़ा रोड पूरा बड़ा रोड और लाइट लग जाएगी पूरी पूर्व सदा तक मंडी तक और लाइट लगेगी मैं अपने शाहबाद पर नंबर वन चपाऊंगा ताकि मेरा अच्छा बात नंबर वन पारा और आ रहा भी और आने वाले टाइम में आता किसी भी समस्या को देखो ये ठीक है सरकार से सहयोग की बात मैं आपसे करूंगा आप लगातार कोशिश कर रहे हैं जैसा आपने कहा मैं सरकार से सहयोग आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कितना मिल रहा है क्योंकि जब तक सरकार का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो अकेला विधायक भी जो है वो बेहतर काम करने की स्थिति में नहीं होता है तो सरकार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है। मेरी सरकार से मांग सबसे पहले मांग मेरी यहाँ जो बीसी रेड जी जनता का जिस रेट का था जिस रेट डिप्टी सीएम साहब ने सीएम साहब ने मेरी बात मान लिया तोड़ दिया जिस रेट जो बीस रेट पर जो बच्चे नौकरी लगने थे वो खत्म कर दिया ताकि सरकारी नौकरी है वो एंटर पेपर पास करता है पेपर पास कर लड़की बहुत जेंटल है पेपर पास कर लगने हमारी जो सरकारी नौकरी पेपर पास कर रहे बच्चे गरीब का जमीन का छत्ती बैठे कोई भी करे पेपर लगाने बिल्कुल लगाने जो पेपर पास करो लगाने हमारा जो मांग थी मेरी बार बार मांग की थी बीसी रेट की जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे युवा जो छोटे के बात है जो उनको बीसी रेट हर हल्के माँ उनको मिलना चाहिए विधायक चाहे बीजेपी का चाहे जेजेपी का उनको उसके साथ से मिलने चाहिए। मैंने 2-3 बार वाइट था डिप्टी सीएम साहब ने बात मानी और तोड़ दिया उसको देखो किस तरीके से मैंने डीसी के माध्यम से हमारे हर हल्के बैठ दिया तो बहुत अच्छी बात है जो हमारे युवा साथी पढ़े लिखे जो ज्यादा पेपर नहीं पास करते वो कम पढ़े उनका तो जांच चल जाता बाकी ये सरकार की मेरी ये मांग दूसरी मेरी मांग है सरकार से
आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो लगातार चर्चा जारी है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में, और आज मेरे साथ हैं शाहबाद से जननायक जनता पार्टी विधायक रामकरण काला। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। कोरोना काल में हरियाणा सरकार के बढ़ते कदम, महामारी के बीच बढ़ाया मदद का हाथ, बीपीएल परिवारों को दी भरपूर सुविधाएं, ये एक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम। कोविड काल में गरीबों के साथ सरकार ने बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया। तो बीपीएल परिवार हैं, उनको सरकार ने जो सहायता मान लो कोविड के लिए इलाज के लिए दी है, बहुत ही बढ़िया स्कीम सरकार की है। आर्थिक मदद के साथ मुफ्त में करवाया इलाज, कैसे हरियाणा सरकार ने पाया कोरोना पर काबू, बीपीएल परिवार योजनाओं की सौगात देखिए आज शाम 7:30 और 8:30 बजे और कल सुबह 7:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आज हम बात कर रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में शाहबाद से जननायक जनता पार्टी विधायक रामकरण काला के साथ, जिसमें अब तक की बातचीत में उन्होंने मोटे तौर पर यह कहा है कि जो काम शाहबाद की जनता के विकास के लिए करवाने थे मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है और सरकार से भी जहां तक सहयोग मांगा है मुझे वो सहयोग मिला है, लेकिन इसके अलावा भी अगले आने वाले 3 साल के लिए विधायक के सामने रोडमैप क्या है और क्या क्या चीजें इलाके के विकास के लिए हो सकती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर, रोजगार को लेकर, इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रीज के विकास को लेकर के किस प्रकार की परिस्थितियां शाहबाद में बनती हुई नजर आती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे रामकरण काला से। रामकरण काला जी बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। सफल क्षेत्र जो हमारे पूरे काम, जहां मंजी साहब रामनगर वाली सड़क है, चाहे एक कमेटी सड़क कमेटी भी जो भी है, हमारे जो हमारा फिर भी शाहबाद है, सारा नंबर वन है, अर्बन नंबर वन पर जाऊंगा। हमारे डिप्टी सीएम साहब पर सीएम साहब के दौरे जो भी हमारी समस्या हो रहा है उनके पास से प्रयास करूंगा, उनसे दूंगा डिमांड करूंगा, उनसे डिमांड करके पूरे अपने शाहबाद में नंबर वन होगा, ये पूरा आपसे विश्वास करूंगा। पूरा पूरा शाहबाद पानी से भी मुक्त, जहाँ पर पुल के नीचे पानी या कहीं भी पानी, अभी तो थोड़ा कोरोना के काल में थोड़ा सा दिक्कत आई हमारे थोड़े कोरोना काल करता, अगर जो तक का तो सारा काम हो जाए, कुछ बीच में और भी अड़चना है, जैसे आपने कहा कि आज साल में आज उसका जो एम्बुलेंस का ऑक्सीजन का वो मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ मंजूर कराया, पहले बीच में फेल गड़बड़ी कोई अपनी और तरफ ले गया तो बीच में दोबारा फेल मंगवाया, अब वहाँ आपने पता है जय कमरे बन गए, मकान बन गए, सब कुछ बन गया, अब सामान लेने के लिए
उसको भी मतलब कोई दिक्कत, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे से बात बात सुनकर कहीं भी किसी चीज आप साढ़ के अंदर आप साढ़ तैयार हो गया पूरी लाइन अलग से छुपाई बिजली की पूरा पूरा बिजली प्रशासन रहेगा पूरी 1.5 किलोमीटर से लाइन अलग से लाइन डाट पहुंच गई है वहाँ। अब बात रही इस हिसाब से बात हुई कि अपने प्राइवेट डॉक्टर फैलो इतना बड़ा जितना कोरोना में कोई ऐसा बात हो अपने डॉक्टर फैलो काम करो। अब मेरा प्रयास है पूरा पूरा भी कोई भी हमारे शाहबाद क्षेत्र में मैं कमी ना दूं किसी चीज की। चाहे कोई विधायक साहब रोजगार को लेकर बात मैं आपसे करना चाहूंगा। अच्छा खासा इलाका है शाहबाद, NH1 की फैसिलिटी वहां पर है, रेलवे स्टेशन की बात करें वो भी वहां पर है, अम्बाला कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ से ज्यादा दूरी नहीं है, एक ऐसा इलाका है यहां पर औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से और विकसित किया जा सकता है, तो आने वाले 3 साल के लिए आपकी नजर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर आप अपने इलाके के लोगों को रोजगार के प्रति ज्यादा आश्वस्त कर सकते हैं? आप रेलवे स्टेशन पर जाएगा देखो मतलब रेलवे स्टेशन पर किसी सवारी को किसी की दिक्कत नहीं, बस स्टैंड पर मैंने बार बार बोले सीएम साहब से बोलूंगा दोबारा फिर हमारा जो बस स्टैंड आसाबाद का हमारी लड़की 1 किलोमीटर घूम करती है जो इंजीनियर थे उन्होंने जो पुल बनाया अपना बना दिया उसके नीचे सिर्फ अंडरपास या कुछ भी लगता है सरकार का और वो अंडरपास मानो बढ़िया सवारी जो ऊपर घूम करती है सील भी वही कोर्ट भी वही सारा कुछ वही है। मैं सीएम साहब से डिप्टी साहब से प्रयास कर रहा और आगे भी करूंगा वहां तो अंडर पास बन जाएगा तो पूरा शाहबाद सुखी हो जाएगा कम से कम भी 50-60 तो बहुत दूर घूमने के चक्कर में खोल जाए। और लड़किया का बेहतर बड़ा दुख है जब 1 किलोमीटर पत्ते खोल सामने है तो मैं बार बार ये मांग करूंगा सीएम साहब से डिप्टी साहब से मैंने मांग भी रखी है आपका सेशन में फिर बोलूंगा। तो मेरी समस्या छोटी छोटी है मेरी बड़ी ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा वो भी शाहबाद के वासी हैं जो पहले 10 साल पानी के अंदर पानी बाहर से कोई प्यारा मित्र है 4 लाख की गड्डी है चाहे 3 करोड़ की गड्डी है सबसे पहले पानी में डूबती थी फिर उसको खुलवाता मेरा मित्र बिल्कुल सामने है जो मैंने वादा करे जनता ने पूरा कराया। दूसरा नंबर आज सूर्यमुखी के मामले में कुल जिम्मेदार की सूर्यमुखी 1% भी रहने दी हो या कोई किसी के मैंने कणक 1% पूरे पूरे टाइम पर कणक बुकवाई जीरी बुकवाई अगर जो गन्ना था गन्ने में उसको ऑफर खुवाई कोई भी जिम्मेदार को मैंने कभी किसी को परेशान नहीं होने दिया 1% खुद ना तो रात को बेड़ा मार करता हूँ ईद मां भी या कहीं भी जो मेरे को बुलाता है मैं उस टाइम पहुंच जाता हूँ। मेरे आपने आपने सूर्यमुखी को लेकर चर्चा की है मैं आज एमएलए बन गया मैं कुर्सी पर ठीक है मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ काम कर रही है लेकिन आपके इलाके के जो किसान हैं उनकी जीरी की जो फसल है धान की जो फसल है वो एक महत्वपूर्ण फसल है लेकिन सूरजमुखी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा रुझान नहीं दिखा रहे हैं पर उनकी मजबूरी है कि उनको पानी भी बचाना है और इसको लेकर आप पहले भी आवाज उठाते रहे हैं उनके लिए क्या तैयारी कम से कम 60-70-80 बोर अपना नली बेल्ट में नीचे जो पानी के नीचे जाने जहाँ जहाँ पॉइंट बताए थे पानी नीचे जाएगा या गाड़ने टाइम में पानी ऊपर आए आज और भी जो मतलब जहाँ जहाँ इलाके में पानी की बोर की लोड पड़ रही कम से कम 100 बोर से ऊपर लग चुके हैं जो नीचे जमीन में पानी जाने के लिए जो साफ पानी जा सका ताकि गंदा पानी नहीं जा सका वो बोर हो चुके हैं जिन्हें जिम्मेदार को लिख कर अगर मेरे खेती में लगाना उसको लगा कर जरूर। और बाकी दूसरी बात मेरा जो एरिया मतलब हमारा धान का ज्यादा एरिया जहाँ सब्जी लगाने का सब्जी लगाता है वो जहाँ कोई भी हमारा एक जो कलेक्शन है जो हमारे अधूरे जिम्मेदारी की तो कलेक्शन बढ़ाने की मैं मांग करूंगा डिप्टी सीएम साहब कभी इनके थोड़े कलेक्शन बढ़ाए जा ये 20 का तो 25 का करे जा आज जिसके कलेक्शन मैंने आज जो कलेक्शन जो पिछले टाइम के दिए थे ये प्रयास भी मान लें इनको कलेक्शन ऐसे दिए जा ताकि इनको थोड़ा सिस्टम मिल जाए। तो हमारा जो इलाका ऐसा है 2-3 लाख मतलब उनमें एक बार चीज लग गई और बरसाती पानी बहुत अच्छा है पीछे से तो बहुत ही मतलब हमारे जिम्मेदार जो है उधर के उन्होंने नीचे अंडरग्राउंड पानी का कर दिया ज्यादा फालतू पानी नीचे जिम्मेदार के लिए उनके काम ये करेंगे और भी करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर भी बात कर लेते हैं लगातार पिछले काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर आप शुरू से किसानों के साथ रहे हैं चेयरमैन बनने के बाद भी मैंने आपको देखा है सुना है कि आप अभी भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं क्या लगता है इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कहाँ आपको खड़ी नजर आती है और आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि कैसे खत्म होगा ये मेरे जो साहब आपके
छत्तीसगढ़ जिम्मेदार है, चाहे दफनदार है, कोई भाई है, कोई भी, सब पे जमीन है, छत्तीस में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आज तक जितने मेरे को पौने दो साल हो गए, गन्ने मा, सूरजमुखी मा, आलू मा या फिर जीरी मा, कोई फसल मा, मगर कोई भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आई। और भाई रही बात आज जो नंदा देश की बात रही, आप जो खुशाना की बात बारे में करें, ये हमारे हमने दिक्कत दे दिया जो जिम्मेदारा की सुनी जा, जो इनके अच्छी बात नहीं सुनी जा, ताकि छह सात महीने का आठ महीने का बैठे हो चलिए मित्र के साथ कुछ ना कुछ या समझाए या बैठ करके बातचीत करता। आइए न तो हमारे डिप्टी सीएम साहब भी, दो तीन सीएम साहब भी गए, हमारे जो एमएलए जो बताया था हमने पूरा कहिए इनको जिम्मेदारी सुनाई जा। लेकिन लेकिन सरकार तो इनको किसान नहीं मान रही है। देखो मेरे पास विधायक साहब, सरकार तो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जी ये हमारे सेंटर के मोदी जी उनसे आपकी बात, वो क्या करा, कैसे संघर्ष करा, कैसे उनके साथ चिंता के, ये सवाल आता है। इसमें कई बार बातें आती हैं कि सरकार जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार हो, हरियाणा सरकार में खासकर जो बीजेपी के विधायक है, नेता है, उनकी तरफ से सुना है मैंने ये कहते हुए ये किसान ही नहीं है। देखो अलग अलग सोच होती है, हम तो किसी को कह नहीं सकते कुछ भी, मान लो एक स्थान स्थान तो सारे स्थान है, छत्तीसगढ़ स्थान है, आज कौन आज इसके बच्चा किस एक किला चाहे किस वर्ग किला, हम ये कहना चाहेंगे इनकी सुनाई करी जा ताकि किसी दखल जो भी है जल्दी कर आके जाकर भी। देखो हमारे तो भाई सारे हैं, जो किसी पार्टी जुड़े तो किसी पार्टी जुड़े, जो बोल रहे तो बोल रहे, हमने अपनी सुन लिया, हमने अपने जो हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हमारे कटो साहब जो करेंगे हम उनके लिए तैयार हैं, वो जो कहा के ऊपर जो प्रयास करेंगे उन्होंने कर दिया। ऊपर सर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उनकी आज की बात हो, हम किसी साथ नहीं लड़ सकते, हम तो सिर्फ आज जोड़ सकता भाई हम सारी प्रयास करें। हाँ फसल की बात है, जब तक उनकी या कुछ भी चाहे चने की फसल है, चाहे सरसों की फसल है, चाहे कोई गन्ने की है, चाहे आलू की है, हम इस रेट से भी चने इस रेट से ऊपरी बीच में कोई फसल अच्छी ऊपरी बीच आज सूर्यमुखी ले चाहे सरसों ले, आज देखो आप पूछा देखो कान से ऊपर भी किया, पर हम इसको विधायक साहब एक चीज अहम एक बात आप आपसे बात करना चाहूंगा, एक अहम सवाल मेरा आपसे कि आने वाले तीन साल में क्या आप देखना चाहते हैं शाहबाद को, किस तरह का शाहबाद देखना चाहते हैं, और आपकी नजर में कोई ऐसा एक कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लगवाना चाहते हैं कि वो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, न रोजगार की दिक्कत होगी, न कामकाज की, विकास होगा बहुत बेहतर। हमारे जो सरकार हमारी हमारा एक जो पूछा सुगर मिल में फैक्ट्री लगी थर्मल स्टील का कुछ वह भी ठीक लग गया, बढ़िया गया, हमारा काम के दौरान भी निधो मिलन चलते लगी, कुछ हमारा रोजगार गली वहाँ मिल जाएगा, कुछ एक आधी फैक्ट्री अभी लगाएंगे, जैसे आज आलू है हमारा आलू बाहर जाता है, ये आलू यहाँ को चिप्स की फैक्ट्री लग जा या सूर्यमुखी है, अब सूर्यमुखी यहाँ को फैक्ट्री लग जाए, जो तेल की इसकी सूर्यमुखी जबकि आप इसकी रोड पड़ती है ऐसा सारा कुछ जाता है, इसकी सूर्यमुखी की यहाँ फैक्ट्री लग जाए बाहर यही का तेल बाहर चल जाए, ये सूर्यमुखी रोलिंग करने के बाहर भेजेंगे रोलिंग, यहाँ तेल बहुत अच्छा काम हो जाएगा, दो चीजें लग गई हमारा काम भी और हमारा जी सारा सूर्यमुखी लगा भी किसी तरह अपने आप ही सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। चलिए चलते चलते छोटा सा कमेंट अपने इलाके के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते इस कार्यक्रम में समापन की तरफ कार्यक्रम है। देखो मैं अपने इलाके के लोगों को ये कहूंगा कि आपके कोई भी अधूरा काम है कुछ भी काम है, मैंने रात में नींद नहीं जो मेरे को काम आता अगले दिन उस काम पर पहुंच जाता हूँ, कोई चाहे गली का चाहे नाले का चाहे पानी का चाहे तो फैक्ट्री का मेरा प्रयास रहा, मैं पूरा पूरा डिप्टी सीएम साहब जिम्मेदार मजदूर किसान आरती छत्तीसगढ़ जो कुछ करूंगा मैं चार घंटे सोता हूँ सिर्फ, मैं सारी जनता के बीच में जनता मेरे को बताओ कई बार को काम नहीं करने को थे तो काम लेट हो जाए कुछ देर हो जाए, ये मैं थोड़े उनसे माफी मांगूंगा क्योंकि जल्दी लोगों से चली भी काम हो जाए, ये भी तो काम नहीं हो सकते सारे जी। कोई काम लेट हो ना लेट होगा, कुछ जल्दी होगा जल्दी होगा, मेरा ये वादा मैं काम करूंगा पूरे और पूरे एलपीडी पूरे बाहर के भी मेरे से उसके तरह का कोई तेरे का कोई क्या जमुनानगर काम बाढ़ के मेरे पास बहुत जनता आती है, मैं किसी को जवाब नहीं देता, हाँ काम कराओगे जो भी काम अपने मेरे करने का कराओ, मेरा कोई किसी अज्ञा मैं जूंगा अभी मैं एक छोड़ बैठा जी, मेरा कुर्सी की राजनीति मैं गली की राजनीति करूँ उसी गली में पहुंच जाऊंगा, अब देखो सारे तो कुछ सोचते नहीं अभी आज तो कुछ जगह एन टी भी है कोई नाराज भी है कोई बात नहीं भाई उनकी भी सुननी पड़ा, रही बात बच्चों की बात करे थे बीमा ने 15 की बात करे, मैंने सिर्फ खिंडू के अंदर 10 किलोमीटर खुलवाई
जी। जो भी मलेशियाबाद के डर वहाँ चल जाए, रात में ट्रक पर तबियत छोड़ जाए, कौन पैदा देगा? हम भी ना पहले बात कर रहे थे कुछ नहीं छोड़ जाए, कुछ में बात रही बंदर की बात, मैंने ठेका बंदर का ठेका दे, बंदर आप कह रहे हो बंदर धीरे धीरे वो बंदर एकदम पकड़े जाते कहाँ छोटा देना जगह जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब चिंतित बोलना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए, सारे काम करूंगा, बंदरों को पकड़ूंगा, गायों को भी उसकी जो अलग से ढोल सारा भाई उनको वहां छिटवाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब पूरा क्या बात है खैर, मेरे को एक ही बात के बारे में, एक ही घर के बारे में पता, गाँव के बारे में, गली के बारे में, कहाँ गली खराब है, कहाँ किस जेरे में जाना, कहाँ जेरे का रास्ता खराब है, बाकी कहीं जो मेरे को मुझे भी पता नहीं कहाँ पहले किया कहाँ बात रखती है। मैं आपका आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे सभा रीजन का, पूरे पत्रकारों का, पूरे अपने इलाके का धन्यवाद किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामकरण काला विधायक जननायक जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। हालांकि तकनीकी दिक्कत ज़रूर रही, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा समझने में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको परेशानी आ सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि आपके इलाके के विधायक को हम जोड़ें और उनकी तरफ से हम ये पूछें कि उनकी तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी क्या है, कि आने वाले 3 साल और वक्त बचा हुआ है, 3 साल से ज़्यादा है, इसमें क्या क्या विकास के कामकाज वो करवाएंगे और इन लगभग 1.5 साल में 2 साल में उन्होंने क्या काम करवाया। हालांकि वो कहते नजर आए कि पिछले सरकार के कार्यकाल में के दौरान या पहले के लोगों ने क्या काम किया, मैं इस पर न जाकर मैंने जो अपने स्तर पर काम की उन पर मैं बात करूंगा। पानी निकासी को लेकर कहा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जल निकासी की व्यवस्था हो, यहां पर अंडरपास को लेकर उन्होंने बात की, लड़कियों को लेकर बात की जो रेलवे स्टेशन पर जाती है, अंडरपास क्रॉस करके लोग जाते हैं, उनको लेकर उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं उस पर बात की, और रोजगार को लेकर कहा कि यहां पर चिप्स की फैक्ट्री लग जाए, जो आलू की मात्रा इतनी ज्यादा यहां पर पैदा होती है तो और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ऐसे तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए और अब इन जवाब को लेकर आपका क्या सोचना है, यह आपका अपना नजरिया है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए एक और फास्ट। नमस्कार।